देख बबुआ देख, हम तेरे लिए सब किताब लेके आ रहे हैं। कलेक्टर बनने का सब किताब है अम्मा, चाहे तो लिस्ट मिला ले हमारा रवि। क्या बात है रे, चुप का है, क्या परेशानी बोल। देख जब तक तेरा भाई जिंदा है ना, तुझे मन मानने की कोई जरूरत नहीं। बोल क्या बात है। इससे क्या मुझसे पूछ, ये कहता है मैं कलेक्टर नहीं बनूंगा। अरे का ये बात सच है? हाँ भैया, मुझे अब कलेक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ही बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई है और 10,000 रुपए तनख्वाह भी मिलेगी। अब आप ही बताइए भैया कि 2,500-3,000 रुपए कमाने वाले कलेक्टर की वैल्यू ही क्या है, उसकी इज्जत ही क्या है। माना भाई माना कि कलेक्टर को तनख्वाह और पैसा कम मिलता होगा, लेकिन सरकारी अफसर होने के नाते समाज में उसकी मान मर्यादा इज्जत बहुत होती है। नहीं भैया, आज की दुनिया में उसी की इज्जत है जिसके पास पैसा है दौलत है। इसलिए आप मेरी तरक्की के रास्ते में रुकावट मत बनिए, क्योंकि आप समय के साथ नहीं उसके काफी पीछे दौड़ रहे हैं, और मैं समय से काफी आगे निकलना चाहता हूं। अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले 15 सालों से आप रिक्शा नहीं खींच रहे होते। चुप हो जा बेईमान, चुप हो जा। अपने इस भाई को उल्टा सीधा जवाब मत दे जिसने तेरी औकात बनाई है। अगर इसने भी तेरी तरह अपना ही स्वार्थ देखा होता, अगर अपने ही सुख के बारे में सोचा होता, तो आज तू कॉलेज में नहीं किसी होटल में जूठे बर्तन साफ कर रहा होता, या किसी फुटपाथ पर लोगों के जूतों को पॉलिश कर रहा होता और अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा होता। ठहरो माँ ठहरो, कलेक्टर नाम के झूठे सपने को जिंदा रखने के लिए मुझे बार बार समझाने की कोशिश मत करो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं कल से नौकरी पर जाऊंगा। शायद आप लोगों को मालूम नहीं, 10,000 रुपए मिलने के अलावा मुझे रहने के लिए शानदार बंगला, कार, नौकर चाकर सब कुछ मिलेगा। आप ही बताइए भैया, क्या मैं इतना बड़ा मौका गवा दूं? अरे हम कहां मना करते हैं भाई, तुम नौकरी करना चाहते हो करो, जरूर करो, लेकिन ये घर छोड़कर बंगले उंगले में मत जा भैया। नहीं जाने दे इसे, रोकता क्यों है खुद गर्ज? अब तुझे बंगले के ऐशोराम के आगे इस मामूली घर की जमीन पर नींद कैसी आएगी? जा चला जा, अब इस घर को तेरी गंदी परछाई की भी जरूरत नहीं। नहीं अम्मा नहीं, जरूरत है, हमको हमारे भाई की जरूरत है अम्मा, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। पत्थर पे क्यों अपना सर पटक रहा है बिल्लू? हर युग में राम को लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिलता। अपना अपना भाग्य अम्मा, अपना अपना भाग्य है। देख रवि, बचपन से लेकर आज तक हम लोग इसी छत के नीचे हर सुख दुख में साथ साथ रहे हैं, तो मरते दम तक क्यों नहीं रह सकते भैया? आप मुझे गलत समझ रहे हैं भैया, मैंने कहा मना किया है, लेकिन जो मेरी तकदीर बना रहे हैं उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं। वो कौन होते हैं हमारे भाई को रोकने वाले? मैं उनकी इकलौती लड़की से शादी कर रहा हूं। शादी? तेरी शादी? लेकिन कब है? इसी महीने की 28 तारीख को। अरे बाप रे, इतनी जल्दी? अम्मा मोहल्ले वालों को रिश्तेदारों को न्योता देना, इतनी सारी तैयारियां करनी है, लेकिन तू घबरा मत बबुआ, हम तेरी बारात बहुत धूमधाम के साथ निकालेंगे। कौन सी बारात भैया, और कौन से बारात थी? मेरी शादी किसी धर्मशाला में नहीं, 5-स्टार होटल में होगी, और आप जिन गरीब बस्ती वालों और 2 कौड़ी के मोहल्ले वालों की बात कर रहे हैं, उनकी औकात ही क्या है वो जो मेरी शादी में आए? तेरा ये भाई भी तो गरीब है, इसका मतलब है ये भी तेरी शादी में नहीं जाएगा? नहीं माँ, मेरा मतलब भैया से नहीं था। अगर ये शादी में आ गए और किसी ने इन्हें पहचान लिया कि मेरा बड़ा भाई एक रिक्शे वाला है, तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी ना माँ। रवि, तू! अम्मा ये क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ अम्मा, शांत हो जाओ। अरे ये तुम क्या कर रही हो अम्मा? अगर इसने एक रिक्शे वाले को रिक्शा वाला कह भी दिया तो कौन सा अनर्थ हो गया? देख भैया तू डर मत, अपने इस रिक्शा वाले भाई पे पूरा भरोसा रख, ये जिंदगी में कभी भी तेरी इज्जत में कोई बट्टा नहीं आने देगा। अरे भाड़ में जाए इसकी इज्जत, और ऊपर से जाए ये, देख लिया आज दिन के साहब को पालने का नतीजा? गलती तो मेरी भी है, मैंने ही पैदा होते ही इसका गला क्यों नहीं घोट दिया? अम्मा ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? अरे हमारी करनी में कुछ कमी रह गई थी, हम ही गलत है अम्मा। हाँ जिंदगी की जोड़ बाकी में हमसे ही कुछ भूल हो गई, वरना जो कुछ सोचा था वो सब इस तरह से तहस नहस नहीं होता।
इस तरह से तहस नहस नहीं होता अम्मा। अम्मा है, बुरा मत मानना, जो हो गया उसे भूल जा, लेकिन हमारी एक आखिरी बात मान ले। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, देख भैया, बहू घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए शादी के बाद उसका 7 दिनों तक इस घर में रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मोहल्ले में हमारी नाक कट जाएगी भैया। लेकिन भैया, लेकिन वकीन कुछ नहीं, देख हम जानते हैं कि बड़े बाप की बेटी है, लेकिन तू किसी चीज की चिंता मत कर, हम उसको इस घर में किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। हम तुमको वचन देते हैं भाई, बबुआ, हम तुमको वचन देते हैं।